हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू मेडिको नॉलेज। आज का जो हमारा टॉपिक होने वाला है वो है गैसियस एक्सचेंजेस के बारे में। तो आज हम रेस्पिरेटरी सिस्टम में गैसियस एक्सचेंज कैसे होता है उसके बारे में जानेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो गैसियस एक्सचेंज क्या होता है? जब हम इन्वायरमेंट से एयर को इन्हेल करते हैं तो हमारे एयर क्या होता है, लंग्स में जाता है, जहाँ पर क्या होता है उसका गैसियस एक्सचेंज होता है। जो भी हम इन्वायरमेंट से ऑक्सीजन लिए रहते हैं या फिर अदर गैसेस रहते हैं वो हमारे क्या होता है, लंग्स से क्या होता है, ब्लड वेसल्स में एक्सचेंज होता है, और वहाँ से क्या होता है, ब्लड वेसल्स से वो टिश्यू तक पहुँचता है। वहीं इन केस ऑफ टिशू से क्या होता है, जो भी वेस्ट गैसेस होते हैं जैसे कि हमारा कार्बन डाइऑक्साइड, टिशू से हमारे ब्लड वेसल्स में आता है और ब्लड वेसल्स से एल्वोलाई से हमारे लंग्स के रेस्पिरेटरी थ्रू से बाहर निकल जाता है। तो इस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं गैसियस एक्सचेंज। तो गैसियस एक्सचेंज क्या होता है? गैसियस एक्सचेंज इज अ रेस्पिरेटरी सिस्टम इन्वॉल्व द ट्रांसफर ऑफ गैसेस जैसे कि ऑक्सीजन फ्रॉम द एयर इनटू द ब्लड एंड कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द ब्लड इनटू एयर। यानी कि एक प्रोसेस होता है जिसमें द्वारा क्या होता है, ऑक्सीजन का हमारा क्या होता है, ट्रांसपोर्ट होता है हमारे मतलब कि जो एनवायरनमेंट है वहाँ से ब्लड स्ट्रीम, फिर उसके बाद टिश्यू तक, और फिर जो हमारा होता है कार्बन डाइऑक्साइड उसका ट्रांसपोर्ट होता है टिश्यू से ब्लड में, फिर उसके बाद वो एनवायरनमेंट में एल्वोलाई के द्वारा निकाल दिया जाता है। दिस प्रोसेस प्राइमरी अकर इन द एल्वोलाई ऑफ लंग्स। ठीक, जो प्रोसेस होता है मेनली जो होता है गैसेस एक्सचेंज हमारा एल्वोलाई में देखने को मिलता है। कुछ स्ट्रक्चर इन्वॉल्व होते हैं गैसेस एक्सचेंज में जो कि प्ले रोल करते हैं उसमें। जैसे कि हमारा स्ट्रक्चर होता है रेस्पिरेटरी सिस्टम में, पहले तो नोज आता है, नेजल कैविटी आता है, फेरिंग्स, लैरिंग्स, ट्रेकिया, ब्रोंकाई, ब्रोंकियोल्स और एल्वोलाई। तो ये एक पैसेज प्रोवाइड करता है एयर को हमारे क्या करता है, इंटर कराने में और उसे एक्सपेल आउट कराने में। तो ये स्ट्रक्चर हेल्प करती है जिसके बारे में हम लोगों ने डिटेल लेक्चर देख चुका है। तो अगर आपने उस लेक्चर को नहीं देखा है तो आपका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उस लेक्चर का लिंक आपको मिल जाएगा, तो आप उस लेक्चर को देख सकते हैं। तो गैसियस एक्सचेंज होता है जब, तो उसमें एक मैकेनिज्म होता है, डिफ्यूजन मैकेनिज्म होता है। तो डिफ्यूजन एक प्रोसेस होता है जब क्या होता है, गैसेस का क्या होता है, मूवमेंट होता है। यानी कि क्या होता है, डिफ्यूजन इज अ प्रोसेस बाय विच अ सब्सटेंस मूव फ्रॉम हायर कॉन्सेंट्रेशन टू लोअर कॉन्सेंट्रेशन। यानी कि क्या हो रहा है, जो भी प्लेस पे क्या होगा, जैसे कि ये प्लेस है, यहाँ पे क्या हो रहा है, अगर हमारे जो एल्वोलाई है उसमें क्या हो रहा है, जब क्या होगा, ऑक्सीजन हम लोग लेंगे, इंटर कराएंगे, तो हमारा क्या होगा, ऑक्सीजन का जो कॉन्सेंट्रेशन होगा वो हाई होगा, लेकिन जो ब्लड में क्या हो रहा है, रिक्वायरमेंट है, यानी कि यहाँ पे डिमांड है, यानी ब्लड वेसल्स में डिमांड है, तो यहाँ पे ऑक्सीजन का जो लेवल है वो कैसा है, कम है। तो हमारा जो डिफ्यूजन प्रोसेस होता है इन्हीं के बीच होता है, यानी कि एल्वोलाई और हमारे ब्लड वेसल्स के बीच में या फिर कैपिलरीज के बीच में। तो ऑक्सीजन क्या करेगा, हाई प्रेशर है तो किधर मूव करेगा, लोअर प्रेशर की तरफ, जिससे क्या हो, जो हमारा ब्लड का में ऑक्सीजन का लेवल बढ़ जाए। तो ये क्या करता है, डिफ्यूजन एक प्रोसेस होता है जिसमें कारण से वो हायर कॉन्सेंट्रेशन से लोअर कॉन्सेंट्रेशन की तरफ ऑक्सीजन या फिर गैसेस का क्या होता है, एक्सचेंज कराता है, जब तक कि वो इक्विलिब्रियम में ना आ पाए। ठीक है, तो ये एक प्रोसेस हो गया। इसमें डिफ्यूजन ऑफ ऑक्सीजन इन लंग्स अकर फ्रॉम द एल्वोलाई टू द कैपिलरी बाय द कैपिलरी मेम्ब्रेन होती है या फिर एल्वोल्युलर मेम्ब्रेन होती है, देन इन टिश्यू। ठीक है, तो जो ऑक्सीजन का डिफ्यूजन हो रहा है कहाँ से कहाँ तक हो रहा है, हमारे लंग्स से जो होती है एल्वोलाई उससे कैपिलरीज में, फिर कैपिलरीज से ये टिश्यू में जा रहा है। वहीं अगर हम बात करें कार्बन डाइऑक्साइड का जो डिफ्यूजन हो रहा है वो हमारा हो रहा है एज अ बेस्ट प्रोडक्ट ऑफ बॉडी टिश्यू टू डिफ्यूज बैक इन टू द एल्वोलाई एंड गेट एक्सेल्ड, मतलब कि ये हमारे बॉडी से फिर बाहर निकाल दिया जा रहा है। तो एक प्रोसेस इसमें और होता है इन्वॉल्व होता है जिसे हम लोग बोलते हैं पार्शियल प्रेशर। तो पार्शियल प्रेशर क्या होता है, पार्शियल प्रेशर इज अ प्रेशर एग्जर्टेड बाय द इंडिविजुअल गैसेस इन द मिक्सचर ऑफ गैसेस। तो ये क्या होता है, एक प्रेशर जनरेट होता है किसी भी इंडिविजुअल गैसेस का एक मिक्सचर ऑफ गैसेस में। तो जैसे कि मान लीजिए एक हमारा कंटेनर है, इसमें क्या हुआ, ढेर सारे गैसेस हैं, ऑक्सीजन है इसी में हमारा, नाइट्रोजन है हमारा, ठीक है, CO2 है। तो जो एक पर्टिकुलर प्रेशर होता है, जैसे कि इस गैसेस का एक पर्टिकुलर प्रेशर होगा, तो उसी ये प्रेशर जब लगाएगा उस मिक्सचर ऑफ गैसेस पे, तो इसी को हम लोग बोलते हैं पार्शियल प्रेशर। ठीक है, तो याद रखिएगा। उसके बाद यहाँ पे देखिए, जो हमारा रेस्पिरेशन होता है दो तरह से होता है। ठीक है, एक तो हमारा होता है इंटरनल रेस्पिरेशन और दूसरा हमारा होता है एक्सटर्नल रेस्पिरेशन। जो हमारा एक्सटर्नल रेस्पिरेशन होता है
वो हमारे किसके बीच में होता है, जो हमारा एल्वोलाई होता है ठीक है उसके, और जो हमारी कैपिलरी होती है एल्वोलाई की सराउंडिंग उसके बीच में होता है। तो ये होता है हमारा एक्सटर्नल रेस्पिरेशन, याद रखिएगा ये हमारा होता है एक्सटर्नल रेस्पिरेशन। जबकि अगर हम इंटरनल रेस्पिरेशन की भी बात करें तो जो हमारा इंटरनल रेस्पिरेशन होता है वो हमारा होता है किसके बीच में, जो हमारी कैपिलरीज होती है, और जो हमारी ये कैपिलरीज क्या होंगी, टिश्यू या सेल्स के बीच में जो भी ऑक्सीजन का या फिर कार्बन डाइऑक्साइड का एक्सचेंज होगा, तो इसे हम लोग बोलते हैं इंटरनल रेस्पिरेशन। तो यहाँ पे देखिए, जब हमारे एल्वोलाई में क्या होता है, ऑक्सीजन का कॉन्सेंट्रेशन आता है तो उसका कॉन्सेंट्रेशन कैसा होता है, हाई रहता है, जिसके कारण से डिफ्यूजन होता है। डिफ्यूजन एक प्रोसेस होता है जिसमें क्या होता है, हाई कॉन्सेंट्रेशन से लोअर कॉन्सेंट्रेशन की तरफ जो गैसेस होगा वो मूव करेगा। तो यानी एल्वोलाई में हमारा क्या रहा है, ऑक्सीजन का कॉन्सेंट्रेशन हाई है, तो यहाँ पे ये किधर मूव करेगा, हमारी कैपिलरी में, क्योंकि जो ऑक्सीजन का कॉन्सेंट्रेशन होगा कैपिलरी में वो कैसा है, लो है, डिक्रीज है। वहीं अगर बात करें हम कार्बन डाइऑक्साइड की, तो कार्बन डाइऑक्साइड के जो लेवल होता है वो हाई होता है कहाँ पे, हमारे कैपिलरीज में, तो ये मूव करेगा कहाँ पे, एल्वोलाई में। तो ये क्या करेगा, इसका डिफ्यूजन होगा एल्वोलाई में मूव करेगा, और जो हाई लेवल होगा ऑक्सीजन का एल्वोलाई से कैपिलरी में जाएगा, तो इसी प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं एक्सटर्नल रेस्पिरेशन। वहीं हम बात करें अगर इंटरनल रेस्पिरेशन की, तो इंटरनल रेस्पिरेशन में जो होता है हमारा जो ऑक्सीजन का लेवल होता है हाई रहता है कहाँ पर रहेगा, ब्लड कैपिलरीज में ठीक है, तो ये क्या हम मूव करेगा, टिशू में। तो टिशू में क्या होता है, ऑक्सीजन की डिमांड होती है, यानी कि वहाँ पे जो कॉन्सेंट्रेशन होगा टिशू में वो कैसा होगा, लो होगा। और वहीं अगर बात करें हम CO2 की यानी कार्बन डाइऑक्साइड की, तो उसका जो लेवल होगा वो हाई रहेगा, ये जो लेवल है CO2 का लेवल क्या रहेगा, हाई रहेगा, कहाँ पर हाई रहेगा, टिशू में या फिर सेल्स में जो CO2 का लेवल रहेगा वो हाई रहेगा, लेकिन जो हमारी ब्लड कैपिलरी रहेंगी वहाँ पे क्या होगा, CO2 का लेवल लो रहेगा, तो इसलिए CO2 क्या करेगा, मूव करेगा हमारे ब्लड कैपिलरी में। फिर उसके बाद ब्लड कैपिलरी में CO2 का लेवल क्या हो जाएगा, हाई हो जाएगा, और फिर जब उसके बाद मूवमेंट अगर हम एक्सपेल आउट करा रहे हैं, तो फिर अगर हम एल्वोलाई की बात करें तो एल्वोलाई में उसका लेवल क्या होगा, लो होगा, तो ये फिर मूव कर जाएगा एल्वोलाई में, और फिर एल्वोलाई रेस्पिरेटरी ट्रैक से होते हुए ये एक्सेल आउट कर जाएगा बाहर ठीक है। तो ये प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं एक्सेलेशन ठीक है। तो याद रखिएगा, इसमें एक्सचेंज होते हैं दो तरह से होता है, एक तो हमारा होता है एक्सटर्नल रेस्पिरेशन और दूसरा होता है हमारा इंटरनल रेस्पिरेशन। एक्सटर्नल रेस्पिरेशन में हमारा क्या हो रहा है, जो एल्वोलाई में हम गैसेस आते हैं वो चेंज होते हैं किससे, कैपिलरीज से होता है चेंज, एक्सचेंज होता है दोनों के बीच में। वहाँ पे क्या होता है, इंडोथेलियल की मेम्ब्रेन होती है जो कि क्या करती है, चेंज कराती है गैसेस का एक्सचेंज होने में ठीक है। और वहीं अगर बात करें इंटरनल रेस्पिरेशन की, तो इंटरनल रेस्पिरेशन में एक्सचेंज होता है किसके बीच में, टिश्यू और हमारे कैपिलरीज के बीच में। अब हम बात करें पार्शियल प्रेशर ऑफ गैसेस की, तो जो पार्शियल प्रेशर ऑफ गैसेस जो होता है क्या होता है, सिंगल प्रेशर होता है या फिर इंडिविजुअल प्रेशर होता है, और प्रेशर ऑफ मिक्सचर ऑफ गैसेस यानी कि जो बहुत सारे गैसेस होंगे उसमें जो सिंगल गैसेस का प्रेशर जनरेट होगा उसे बोलते हैं पार्शियल प्रेशर। तो डिफरेंट बॉडी पार्ट में क्या होगा, उसका जो प्रेशर होगा अलग अलग होगा। अगर हम बात करें एटमॉस्फेयर के केस में, तो जो एटमॉस्फेयर में क्या होता है, ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर होता है कितना होता है, 159 mm of Hg। वहीं अगर हम बात करें CO2 का जो पार्शियल प्रेशर होता है वो हमारा होता है 0.2 to 0.3 mm of Hg होता है। तो ये याद रखिएगा, जो एटमॉस्फेरिक एयर प्रेशर होता है पार्शियल प्रेशर, यानी CO2 का कितना होगा और O2 का कितना, ये कई बार एग्जाम में पूछ लिया जाता है, जितने भी डाटा दिया गया है आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं एक ही करके। अगर हम एल्वियोलर की बात करें, तो एल्वियोलर में जो PCO2 होता है यानी कि जो पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन होता है वो कितना होता है, 104 mm of Hg। वहीं अगर आप पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 की बात करें तो क्या होता है, 40 mm of Hg होता है ठीक है। अब बात करें पल्मोनरी कैपिलरी के केस में, तो पल्मोनरी कैपिलरी में क्या होता है, जो पार्शियल प्रेशर होता है ऑक्सीजन का क्या होगा, 40 mm of Hg, लेकिन जो हमारा CO2 का पार्शियल प्रेशर होगा वो हाई होगा, इसीलिए क्या हो रहा है, पल्मोनरी कैपिलरी से CO2 क्या कर रहा है, मूव कर रहा है हमारे एल्वोलाई की तरफ जा रहा है। वहीं अगर हम बात करें आर्टेरियल एंड में, तो आर्टेरियल एंड में जो हमारा पार्शियल प्रेशर होता है वो हमारा होता है 95 mm of Hg होता है ऑक्सीजन का। और वहीं अगर हम CO2 की बात करें, तो CO2 का जो पार्शियल प्रेशर होता है वो होता है हमारा 40 mm of Hg। अगर बात करें टिश्यू लेवल पे,
तो टिश्यू में जो पार्शियल प्रेशर ऑफ O2 होता है कितना होता है, बहुत ज़्यादा, मतलब कि कम होता है एज कम्पेयर टू एटमोसफेयरिक एयर में। इसीलिए क्या होता है, ये जो एयर होती है हमारे इनहेल आती है, यानी ये जाएगा 40 mm Hg, और जबकि अगर हम CO2 की बात करें पार्शियल प्रेशर तो 45 mm Hg। इसीलिए डिफ्यूजन हो रहा है, हायर कॉन्सेंट्रेशन से लोअर कॉन्सेंट्रेशन की तरफ क्या हो रहा है, डिफ्यूजन होता है, तो और गैसेस का क्या होता है, एक्सचेंज होता है। तो ये कुछ वैल्यू थे, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, क्योंकि ये वैल्यू कई बार कंपटीशन एग्जाम में या फिर MCQ वगैरह में पूछ ले जाते हैं, तो आप इस वैल्यू को याद रखिएगा। अब आगे देखते हैं, डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गन पार्ट में आपको पार्शियल प्रेशर दिखा रहे हैं कि कहाँ पे कितना पार्शियल प्रेशर होता है। तो अगर हम इंस्पायर्ड एयर की बात करें, ठीक है, जो कि एटमॉस्फेरिक एयर होता है, यानी कि ये जो आपका गैसेस का प्रेशर बता रहा है वो क्या हो रहा है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर है। अगर हम पार्शियल प्रेशर ऑफ O2 की बात करें तो ये हमारा लगभग होता है 160 mm Hg या फिर 159 mm Hg होता है, जो एक्यूरेट वैल्यू मिलती है 159 mm Hg होती है। और वहीं अगर पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 हम लोगों ने देखा था वो कितना होता था, 0.3 mm Hg, तो याद रखिएगा ये। वही ये क्या होता है, जो ऑक्सीजन का होता है हायर होता है एज कम्पेयर टू किससे, कार्बन डाइऑक्साइड से। लेकिन जो हमारी कैपिलरी एल्वोलाई होती है उसमें जो पार्शियल प्रेशर होता है वो हमारा क्या था, लो होता है। तो इसलिए जो होता है गैसेस क्या होता है, मूव करता है कहाँ पे, एटमॉस्फेयर से हमारे एल्वोलाई में। तो इसी को प्रोसेस को बोलते हैं हम लोग इनहेलेशन प्रोसेस। क्या हो रहा है, इनहेलेशन कर रहा है, गैसेस को हम क्या कर रहे हैं, इनहेल कर रहे हैं। अब ये गैसेस का एक्सचेंज हमारे कहाँ होगा, कैपिलरीज में होगा। ये जो कैपिलरीज देख रही हैं, टीनी पार्टिकल्स होती हैं कैपिलरीज, वहाँ पे इसके। लेकिन अब ये तो हो गया इंस्पायर्ड एयर, ठीक है, तो ये हमारा हो गया एल्वोलाई का पार्शियल प्रेशर। अब जो CO2 होता है वो कितना होता है, 40 mm Hg होता है, हायर होता है एट कम्पेयर टू एटमोसफेयर। तो यहाँ हायर से क्या होगा, लोअर की तरफ जाएगा, तो ये बाहर की तरफ मूव करेगा, और जो हमारा CO2 होगा वो क्या करेगा, अंदर की तरफ मूव करेगा। यहाँ पे ये देख रहे हैं, ये जो CO2 है वो क्या कर रहा है, बाहर की तरफ मूव कर रहा है, जबकि जो O2 है हमारे अंदर आएगा लंग्स से होते हुए किससे आएगा, हार्ट में। और हार्ट ही क्या कर रहा है, पूरे बॉडी में सर्कुलेट करने का काम करता है ब्लड को। तो जो ये ब्लड होती है, अब उसके बाद देखिए, ब्लड इंटर द एल्वियोलर कैपिलरीज, ठीक है, हम अभी इनहेलेशन यानी इंस्पायर्ड एयर की बात कर रहे हैं। तो उसमें जो उसका पार्शियल प्रेशर था कितना था, पार्शियल प्रेशर ऑफ O2 40 mm Hg, और पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 कितना था, 45 mm Hg। तो इसलिए क्या हो रहा है, इससे मूव कर रहा है हमारे कहाँ पे, एल्वोलाई की तरफ, क्योंकि एल्वोलाई में क्या हो रहा था, प्रेशर कम था एज कम्पेयर टू हमारे जो पल्मोनरी होती है या फिर कैपिलरीज होती है उसमें। उसके बाद करें अगर पल्मोनरी आर्टरी की, ये हमारा पल्मोनरी आर्टरी है, जो कि क्या कर रहा है, जो हमारा राइट वेंट्रिकल्स होता है हार्ट का, उससे जो होता है ब्लड को ले जाता है कहाँ पे, हमारे लंग्स में। यानी कि ये जो ब्लड होता है ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, तो ये जो ब्लड होता है ये क्या होता है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, और हमारे लंग्स में जाकर ये क्या होता है, ऑक्सीजन से बाइंड करके इसे ऑक्सीजनेटेड बनाता है। तो ऑक्सीजन क्या करता है, जो ब्लड डीऑक्सीजनेटेड होता है यानी कार्बन डाइऑक्साइड क्या होता है उसका रिमूव हो जाता है, और ऑक्सीजन इन्वायरमेंट से जो हम लोग लिए रहते हैं वो क्या होता है, ब्लड में आता है, जिसके कारण से वो ऑक्सीजनेटेड हो जाता है। तो जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है तो वो पल्मोनरी वेन से हमारे कहाँ पे आता है, हमारे लेफ्ट आर्ट्रियम में, तो याद रखिएगा। उसके बाद ब्लड लिविंग टिश्यू कैपिलरीज जो होती है, टिश्यू से जो भी ब्लड लिविंग कैपिलरीज होती है वहाँ पे उस पार्शियल प्रेशर देखें तो पार्शियल प्रेशर में जो होता है O2 का वो कितना होता है, 40 mm Hg। अगर CO2 का देखें तो हमारा होता है 45 mm Hg, यानी कि यह भी हायर है, तो ये भी मूव कराएगा कहाँ पे, हमारे हार्ट की तरफ। ये मतलब कि इन्फीरियर वेना की वजह या फिर सुपीरियर वेना की वजह से हमारे क्या होगा, राइट एट्रियम में आएगा, वहाँ पे भी राइट वेंट्रिकल में जाएगा, फिर वेंट्रिकल से कहाँ जाएगा, लंग्स में, फिर प्यूरीफायर होके हमारे कहाँ आएगा, लेफ्ट एट्रियम में, लेफ्ट एट्रियम से लेफ्ट वेंट्रिकल में, फिर लेफ्ट वेंट्रिकल से फिर हमारे क्या होगा, पूरी बॉडी में ये सर्कुलेट हो जाएगा। तो ये प्रोसेस कंटिन्यू चलता रहता है। उसके बाद करें हम अगर इंटरनल रेस्पिरेशन की, तो इंटरनल रेस्पिरेशन हमारे किसके बीच में हो रहा था, जब कैपिलरीज और जो टिश्यू या सेल्स होती हैं उनके बीच में अगर गैसेस एक्सचेंज हो रहा है तो उसे हम लोग बोलते हैं इंटरनल रेस्पिरेशन। तो ब्लड लिविंग टिश्यूज कैपिलरीज में कितने हो रही थी पार्शियल प्रेशर, ये देख लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद
टिश्यू लेवल पे आपका पार्शियल प्रेशर क्या था ये आप याद रखिएगा। जो पार्शियल प्रेशर होता है O2 का लेस देन होता है 40 mmHg और जो CO2 का पार्शियल प्रेशर होता है ग्रेटर देन होता है 45 mmHg। इसीलिए क्या होता है ये एक्सपायल आउट होता है यानी कि इसका डिफ्यूजन होता है हमारे, ठीक है, जो कैपिलरीज होती हैं उनमें जाती है टिश्यू से। तो ये था गैसेस एक्सचेंज के बारे में और उसके बारे में फिनोमेना था जो भी, और पार्शियल प्रेशर के बारे में देखा कि हम लोगों ने डिफरेंट डिफरेंट पार्टी में कितना पार्शियल प्रेशर होता है और जिसके वैल्यू आप याद रखिएगा क्योंकि कंपटीशन में कहीं ना कहीं एक क्वेश्चन उससे बनता ही बनता है, तो आप उसको याद रखिएगा। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।